सरकारी स्कूलों दी प्री प्राइमरी तो 8वीं जमात तक दे विद्यार्थियों लई समर कैंप शुरू किए गए हैं जो 15 जुलाई तक चलणगे। ऐतकी छुट्टियां विच समर कैंप नहीं लगाए गए हैं जदों कि पहला छुट्टियां विच समर कैंप लगते रहे सी। जिस दे तहत नाभा ब्लाक दे पिंड सिंबड़ो दे सरकारी एलीमेंट्री स्मार्ट स्कूल विच समर कैंप विच जिला सिख्या अफसर रचना महाजन वल्लों शिरकत की गई। इस मौके ते उन्हां कहा बच्चियां नूं बौद्धिक गतिविधियां, सेहत संभाल, खेडां, आर्ट क्राफ्ट, मौलिक कदरां कीमतां, गणित, वातावरण सिख्या अते भाषा कौशल आदि संबंधी कारज करवाए जा रहे हन। सरकार वल्लों जो एक कदम उठाया गया है बहुत शलाघायोग कदम है। पंजाब सरकार ने स्कूलों विच एक महीनिया दीआं छुट्टियां तो बाद जिवें ही स्कूल लगे तां नाल दी नाल स्कूलों विच समर कैंप लगा दित्ते, क्योंकि एक महीने दे अरसे तो बाद जिथे स्कूलों दे बच्चे स्कूलों विच मन नहीं लगाउंदे तां स्कूल विच समर कैंप लगा के उन्हां नूं नवे तरीके दे नाल जिथे पढ़ाया जा रहा उत्थे ही उन्हां नूं हर तरह दी ट्रेनिंग दित्ती जा रही है। इस मौके ते स्कूल विच जिला सिख्या अफसर अर्चना महाजन अते ब्लाक अफसर जगजीत सिंह नौरा ने शिरकत कीती अते उन्हां समर कैंप दी शलाघा कीती। इस मौके ते जिला सिख्या अफसर अर्चना महाजन अते ब्लाक अफसर जगजीत सिंह नौरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों दी परी प्राइमरी तो 8वीं जमात तक दे विद्यार्थियों लई समर कैंप शुरू किए गए हैं जो 15 जुलाई तक चलणगे। ऐतकी छुट्टियां विच समर कैंप नहीं लगाए गए हैं जदों कि पहला छुट्टियां विच समर कैंप लगते रहे सी। उन्हां कहा कि सरकार वल्लों स्कूलों दे म्यार नूं उच्चा चुकण लई हर सहूलत दे रही। इस मौके ते स्कूल दी अध्यापका प्रियंका तिवाड़ी ने कहा कि जो छुट्टियां तो बाद समर कैंप लगाया गया है उस नाल बच्चियां दे विच बहुत निखार आ रहा है। बच्चियां नूं हर तरह दी एक्टिविटी कराई जा रही है जिस दे नाल बच्चे बहुत खुश हन। इस मौके स्कूल दे मापे ते बच्चियां ने कहा जो समर कैंप लगाया गया है असीं बहुत खुश हां, सानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिल रहा है। हाँ जी, पंजाब सरकार दे सिख्या विभाग वल्लों गर्मी दे छुट्टियां तो बाद 3 जुलाई तो लैके 15 जुलाई तक समर कैंप का आयोजन किया गया। पंजाब भर के सारे प्राइमरी ते अपर प्राइमरी स्कूल जिहड़े भाग लै रहे हैं। ये जिहड़ा है मेन विशेष उपराला जिहड़ा किया गया है विद्यार्थियों को छुट्टियों तो बाद स्कूलों नाल ते विद्या दे नाल जोड़न दे वास्ते किया गया है। ये डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिहड़ी कि ना केवल उन्हां दी सेहत दिमाग ते शरीर नूं करनगे मजबूत बल्कि उन्होंने अच्छी वैल्यू सिक्ख्या वैल्यू की एजुकेशन भी देनगे। ये बच्चे वेरियस गतिविधियां कराई जा रही हैं, वो गतिविधियां सानू उपरों आदि हैं और बड़ा समाबद्ध और बड़े अच्छे तरीके सुचारू रूप में हर एक स्कूल के जा रही हैं। प्री प्राइमरी तो लैके 8वीं तक के सारी क्लासेस इस इनवॉल्व है। ये बच्चों शरीरिक पक्ष तो मानसिक पक्ष तो मजबूत बनाया जा रहा है, इमोशनली स्ट्रोंग बनाया जा रहा है, उन्होंने डिफरेंट जिहड़े हैं समाजिक कदर कीमतों तो जाणू कराया जा रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी इहदे विच सारा शामिल किया गया है। ये मेन कारण यह है कि बच्चे जो छुट्टियों बाद बिल्कुल ही पढ़ाई तो विसले हो जाते हैं तो पढ़ाई नाल जुड़न तो एकदम भार ना महसूस कर, बोझ ना महसूस कर। उन्होंने हौली हौली 15 तरीक तक इस तरह पढ़ाई के नाल जोड़ के लीहां ते लियाया जाएगा ताकि वह पढ़ाई के टोटली इनवॉल्व हो जाए तो अच्छी तरह अगे सिक्ख्या हासिल कर सके। जी, यही मेन मकसद ही यही है कि बच्चे जिहड़ा एक महीना छुट्टियां घर बिता के आए हैं उस तो बाद एकदम अगर स्टडी का भार पावे बच्चे बोझ ना महसूस होवे, हौली हौली एक तरीके नाल इन्हों पढ़ाओ नाल सिक्ख्या नाल जोड़िया जाए। इस तो अलावा होर पंजाब सरकार की विशेष उपराले जिहड़े विद्यार्थियों वास्ते? हाँ जी, पंजाब सरकार वालों देखो वजीफे तो दिते ही जा रहे हैं लोड़वंदा नूं। यूनिफॉर्म्स पहला जड़ियाँ दूसरे कुछ स्पेशल बच्चों आदियां सी लेकिन इस बार जनरल बच्चों भी सारे आ रही हैं। हर तरह के ग्रांटा बहुत ज़्यादा आ रही हैं स्कूलों के, मैं लगता पंजाब के सारे स्कूल ही एक किस्म के सारे बहुत अच्छे बन रहे हैं। लगातार सारे डीओ दफ्तर थ्रू ग्रांट्स समग्रा के थ्रू ग्रांट्स कॉन्टीन्यूअसली जदों की मैं आई हाँ आई जा रही हूँ। देखो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं हैगी क्योंकि जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक है वो तो प्राइवेट स्कूलों के अगर कितने भी प्राइवेट स्कूलों वाले मुकाबला ही नहीं कर सकते सरकारी स्कूलों वाले। इतने साढ़े को ग्रैजुएट पोस्ट ग्रैजुएट PhD भी टीचर्स बैठे हैं तो प्रॉपरली प्रोफेसनली ट्रेन टीचर्स हैं तो इन्हों का एंथुजियाजम जो इन्हों का है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੈਨਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਟਾਈ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੋਰ ਟੀਚਰਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਡਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਰਚਦੇ ਮਿਚਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਚਦੇ ਮਿਚਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।